नमस्कार फ्रेंड्स, EL309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन विषय के पहले यूनिट इंट्रोडक्शन के दूसरे टॉपिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सतीश कुमार नाथ, लेक्चरर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली से, आज आपको एनालॉग एवं डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन टॉपिक को कवर करूंगा। तो मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, जैसा कि हमें पता है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर पे चलने वाले सिग्नल के दो विभिन्न रूप हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या सिग्नल का उपयोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जानकारी को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच में मूलभूत अंतर यह है कि एनालॉग सिग्नल जो है वो एक साइन वेव की तरह होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल जो है वो एक स्क्वायर वेव की तरह होता है। साइन वेव और स्क्वायर वेव की तरह ये सिग्नल होते हैं। एनालॉग एवं डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, एनालॉग सिग्नल एक प्रकार की कंटिन्यूअस वेव है जो समय के साथ निरंतर बदलती रहती है। एनालॉग सिग्नल को आगे सिंपल और कंपोजिट सिग्नल में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंपल एनालॉग सिग्नल ऐसी साइन वेव जिसको आगे बांटा नहीं जा सके, आगे विघटित नहीं किया जा सके। दूसरी ओर कंपोजिट एनालॉग सिग्नल जिसको आगे कई विभिन्न साइन वेव में विघटित किया जा सकता है। एनालॉग सिग्नल को एम्पलीट्यूड, आयाम, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और फेज, इन चार कंपोनेंट के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है। एम्पलीट्यूड का अर्थ होता है सिग्नल की अधिकतम ऊंचाई। फ्रीक्वेंसी उस दर को चिन्हित करती है जिस पर सिग्नल बदल रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर ये सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और फिर कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, फिर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और फिर कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। ये जो अधिकतम ऊंचाई है इसको एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। ये जो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड या आयाम बोलेंगे। ठीक है, एक नियत समय में ये जितने चक्कर पूरे करता है उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। एक बार जीरो से स्टार्ट होकर वापस पुनः जीरो तक आने के समय को टाइम पीरियड बोलेंगे, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक एनालॉग सिग्नल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो हमारा पब्लिक टेलीफोन सिस्टम है उसमें आवाज को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एनालॉग सिग्नल के माध्यम से ही ट्रांसमिशन होता है। एनालॉग सिग्नलों का डेटा कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन और कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत महत्व है, क्योंकि लंबी दूरी का डेटा कम्युनिकेशन एनालॉग सिग्नलों के माध्यम से ही किया जा सकता है। अगर लंबी दूरी तक डेटा को भेजना है तो वो एनालॉग सिग्नल के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। इस स्लाइड के अंदर हम लोग बात करेंगे डिजिटल सिग्नल के बारे में। डिजिटल सिग्नल एक प्रकार की डिस्क्रीट वेव है। डिस्क्रीट का मतलब जिसकी विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग दिखाया जा सके। जैसे कि ये देखिए, ये अगर हमारा डिजिटल सिग्नल है तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से स्क्वायर वेव में डिजिटल सिग्नल को बनाया जाएगा। अब यहाँ हम स्पष्ट देख सकते हैं कि ये हाई अवस्था है और ये एक लो अवस्था है। हाई अवस्था को बाइनरी वन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है, जबकि लो अवस्था को बाइनरी जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। एनालॉग सिग्नल में हम ऐसा कोई डिफरेंशिएशन, ऐसा कोई क्लियर कट विभाजन नहीं देख सकते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल में ये क्लियर कट विभाजन आपको दिखाई देता है। डिजिटल सिग्नल में हम लोग प्राय दो शब्दों का उपयोग करते हैं, बिट रेट और बिट इंटरवल। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यदि हम लोग एक सेकेंड में 8 बिट डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक सेकंड में 8 बिट डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो बिट इंटरवल क्या होगा, वो 1/8 होगा
अर्थात 0.125 सेकंड होगा, और एक सेकंड में भेजे जाने वाली बिटों की संख्या को बिट रेट कहा जाएगा। तो इस उदाहरण में हमारी बिट रेट होगी 8 बिट प्रति सेकंड। ठीक है, डिजिटल सिग्नल जो है वो नॉइस के लिए ज्यादा सुरक्षित है। ये एक बात कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है कि सिग्नल को जब मीडियम पे भेजा जाता है किसी तार पर या वायरलेस तरीके से भेजा जाता है, तो कुछ समय पश्चात कुछ दूरी चलने के बाद सिग्नल में कुछ अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाता है वातावरण की वजह से, या फिर तार की जो धातु है उसके कुछ गुणों की वजह से कुछ अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाता है जिससे नॉइस बोलते हैं। ये नॉइस जो है हमारे सिग्नल की सिग्नल को डीफॉर्म कर देता है, उसको सिग्नल को खराब कर देता है। एनालॉग सिग्नल में डिजिटल सिग्नल की तुलना में एनालॉग सिग्नल में नॉइस ज्यादा आता है, डिजिटल सिग्नल में नॉइस कम रहेगा। नॉइस के लिए डिजिटल सिग्नल ज्यादा सुरक्षित होता है, डिजिटल सिग्नल ज्यादा विश्वसनीय है, और डिजिटल सिग्नल की सीमा 0 से 1 के बीच में होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। यह प्रश्न हर दूसरे वर्ष पूछा जाता है कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को कंपेयर कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। वैसे मैं ये सारी बातें पिछली 2 स्लाइड में बता चुका हूं, लेकिन इस स्लाइड में उसको फिर से एक समरी के रूप में आपके सामने बता रहे हैं। पहला बुनियादी फर्क क्या है, एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस वेव है जो समय के साथ लगातार बदलती रहती है, डिजिटल सिग्नल एक डिस्क्रीट वेव है जो बाइनरी फॉर्म में जानकारी लेती है। रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व, एनालॉग सिग्नल को साइन वेव के द्वारा दर्शाया जाता है, डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर वेव के द्वारा दर्शाया जाता है। डिस्क्रिप्शन या विवरण, एनालॉग सिग्नल को एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और फेज द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णित किया जाता है, जबकि डिजिटल सिग्नल को बिट रेट और बिट इंटरवल के द्वारा वर्णित किया जाता है। एनालॉग सिग्नल की कोई निश्चित सीमा नहीं है, जबकि डिजिटल सिग्नल की एक परिमित सीमा होती है, 0 और 1 के बीच में ही उसको। डिफॉर्मेशन या विरूपण, नॉइस का ज़्यादा असर एनालॉग सिग्नल पे होता है, इसलिए उसमें विकृति या सिग्नल के खराब होने की संभावना अधिक होती है, डिजिटल सिग्नल में सिग्नल के खराब होने की संभावना कम होती है। ट्रांसमिशन, ये एक वेव के रूप में संचरित होता है, ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। उदाहरण, एनालॉग सिग्नल का सबसे अच्छा उदाहरण ह्यूमन वॉइस है, मानव आवाज है। डिजिटल सिग्नल का उदाहरण कंप्यूटर में ट्रांसमिट किए जाने वाले विभिन्न सिग्नल्स हैं। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो पूरा होता है। आज के इस वीडियो में मैंने बात की है एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के बारे में, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में, ये क्या होता है, इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या कमियाँ हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।